आईती वार्ता का विषय है सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। जदों जदों भी समाज विच निर्दोषां अते मजलूमां नूं सताया गया उहनां उत्ते जबर जुलम अत्याचार कीते गए जां धर्म उत्ते काले बदल मंडराए उदों उदों ही गुरु पीर पैगंबर अवतार धार के जीवां दा उद्धार करदे ही आए हन। जिवें कि गुरबाणी विच भी लिखिया है जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देह धरत अवतारा। इसे प्रकार कलयुग दे अवतार सिख पंथ दे पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी जदों अवतार धारिया तां उस वेले जुल्मां अत्याचारां हेठ दबी कुचली हुई मनुखता औखे साह लै रही सी। प्रसिद्ध शायर अते चिंतक अलामा इकबाल जी अनुसार फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया खाब से। सतगुरु नानक देव जी ने अपनी इलाही बाणी अते स्वरूप दे नाल जिथे भुले भटके लोकां नूं सद मार्ग विखाया उथे ही आप जी ने सिखी दा मार्ग भी आलोकित कीता। आप जी दा फरमान है जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कान न कीजे। आप जी ने सिखी मार्ग नो पावे प्रेम दा भक्ति दा मार्ग कहा है पर नाल ही प्रेम दे पांदी नू सिर तली उते तार के आउण दा आदेश दिता है कि जो भी कोई इस मार्ग ते पैर धरदा है उसनू अपने इष्ट गुरदेव अते उना द्वारा दर्शाए असूलां आदर्शां खातर आत्म समर्पण जां आत्म बलिदान करके भी किसे एहसान जां कान नू ना जताउण लई कहा गया है। गुरु अमरदास जी दा वचन है कि भगतां दी चाल निराली पेंडा बिखम अते मार्ग अत कठिन अर्थात खन्यो तिखा अते वालो निका हुंदा है। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक असली सूरबीर दी ए निशानी दसी है कि असल योद्धा जां सूरबीर ओही हो सकदा है जो मजलूमां अते गरीबां दी रखिया है लड़दा अते जूझदा होया किसे भी हाल विच पिछे नहीं हटदा है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाडे खेत। शहीद सिर्फ अपनी कौम लई कुर्बान नहीं हुंदे सगो ओता समूची मानवता लई हमेशा तत्पर रहंदे हन। ओना लई तां जीवना झूठ अते मरना सच है आनंद देन वाला है। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूरन परमानंद। शहीदी पावे धर्म युद्ध विच पाई गई होवे जिवे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी फरमांदे हन जब आव की औध निधान बने अत ही रन मैं तब जूझ मरो। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी वेले जदों कश्मीरी पंडतां दे एक जथे ने श्री आनंदपुर साहिब आके अपनी दर्द भरी विथिया सुनाई इस नूं सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडतां नूं आख्या के इस हो रहे जुलम दा इको इलाज है कि किसे महापुरुष दा धर्म हेत बलिदान दिता जावे। सारे पंडित खामोश हो गए। आप जी ने कहा डरो ना जाओ बादशाह नूं कह दियो कि जेकर तुसी गुरु तेग बहादुर जी दा धर्म बदल सके तां असी सारे ही मुसलमान बन जावांगे। फिर आप जी ने पंजाब दे दौरे करके लोकां नूं मिल के उनां अंदर जागृति लियांदी अते जुल्मां दा टाकरा करन लई उत्साह भरिया। आप जी ने ना किसे नूं भय देण अते ना ही किसे दा भय मनन दा उपदेश दिता। आप जी दी शहीदी बारे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचित्र नाटक विच यूं लिखिया है तिलक जंजू राखा प्रभता का कीनो बड़ो कलू महसाका साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी न उचरी धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिरर न दिया। शहीदां दी पंक्ति विच ओ वीर योद्धे महापुरुष परमार्थी जीवन बलिदानी हन जो जालम हकूमत दे जबर जुलम दा टाकरा करदे होए गरीबां अते मजलूमां दी राखी लई अपने शरीर ते असह कष्ट सह के भी अपनियां जिंदां हस हस के वार दिंदे हन। जालम दी तलवार उन्हां दा सिर नीवा नहीं कर सकदी। सिख इतिहास भी ऐसियां महान शहादतां दी गाथा बयान करदा है। इहो ही ओ उपजाऊ करम भूमि है जिस विचों कौमां दे ब्रिज उगदे मौलदे अते अणगिनत राहियां नूं ठंडी छां प्रदान करदे हन। कौमां उन्हां दे आसरे बत्तियां फुलदियां अते चढ़दी कला विच रहिंदियां होईयां हिम शिखरां नूं छोंदियां हन। साडा गौरवमय सिख इतिहास शहीदां दे सिरताज
श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी अते हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी दे अदुती बलिदान तो लैके भाई मतीदास भाई सतीदास भाई दयाला चार साहिबजादियां 40 मुक्तियां बंदा बहादुर नाल शहीद होए 740 सिर लथ जोधियां भाई मनी सिंह भाई तारू सिंह भाई सुबेग सिंह उन्हां दे सपुत्र भाई शाहबाज सिंह अते बाबा दीप सिंह तो लैके नामधारी सतगुरु राम सिंह जी दे वरोसाए 80 शहीदां समेत अमर शहीदां दी गिनती 812 तो भी वध बनदी है जो कि सन 1606 ईस्वी तो लैके सन 1872 ईस्वी तक दा गौरवमय इतिहास है अते इस धर्म युद्ध विच हर आयु दे गुरसिखां प्यारियां दुलारियां ने योगदान पाया। सिख इतिहास विच महान शहादतां दा ढंग विलक्खण एक दूजे तो वख अते दिल कंबाऊ सी। सिख पंथ दे पंजवें गुरु शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने ततियां तवियां उत्ते बह के रेत दे कड़छे सीस ते पुआए अते समुची कायनात दी इज्जत अते अनख दे रखवाले हिंद दी चादर नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जबर जुलम अत्याचार ते ठल पाउण लई अते तिलक जंजू दी रखिया हित चांदनी चौक विखे सीस नूं धड़ नालों वखरा करके अपने अनूठे जीवन दा बलिदान दे दिता। धर्म अते देश दी खातर निक्की उमरे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाला ने जो महान बलिदान दिता उसकी मिसाल सारे विश्व दे इतिहास विच नहीं मिलती। भाई दयाला तेग विच उबल रहा सी अते रसना तो अपने प्यारे सतगुरु दा नाम जप रहा सी। भाई तारू सिंह वर्गे खोपर लुआ के भी शांत चित अडोल अपने सतगुरु दा भाणा मान रहे सन। भाई मनी सिंह ने अपने बंद बंद कटवा के भी सी नहीं उचारी हाय नहीं कीती सगों ए अपने प्यारे दा शुकराना करदे रहे। बंदा सिंह बहादुर दी शहादत अपने आप विच एक मिसाल है। मेहताब सिंह सुखा सिंह बाबा दीप सिंह सुबेग सिंह अकाली फूला सिंह सरदार हरी सिंह नलवा शाम सिंह अटारी वाले ने अपना बलिदान दे के सुत्ती कौम नूं हलूनिया। नामधारी शहीदां बिहला सिंह हाकम सिंह सूबा लहना सिंह फतेह सिंह सूबा ज्ञानी रतन सिंह हीरा सिंह गुरमुख सिंह मंगल सिंह मस्तान सिंह वरियाम सिंह काका बिशन सिंह आदि नौजवानों तो लैके बच्चियां तक ने गौ गरीब दी रखिया गुरु घरां दी पवित्रता कायम रखन अते देश दी आजादी लई अपने गले विच आप फांसी दे फंदियां नूं पा अते तोपां सामे खड़े हो अपने जिस्म दे फीते फीते करवा के बेमिसाल शहादतां प्राप्त कीतियां। भावे इन्हां महान शहादतां दे पिछे विदेशी हुकूमत दी तानाशाही अते अपनियां दी गद्दारी भी मुख कारण सी पर इन्हां सारे पड़ावां विचों लंघ के बड़ी शिद्दत नाल गुरु साहिबाना दे महान उपकारां सदका इक तराशी होई हीरे वर्गी सिख कौम होंद विच आई है जिसकी समुचे विश्व विचों न्यारी अते वखरी पछाण है जो अज भी जुल्मां दा टाकरा करन लई अते मजलूमां दी राखी लई हमेशा तैयार रहंदे हन। सो सिख इतिहास विच गुरु साहिबाना अते शहीदां दे उपकारां नूं कदे भुलाया नहीं जा सकता। शहीदां बाबत किसे कवि ने बहुत सुंदर सतरां लिखियां हन। डुल्ले जद खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी रंबियां नाल खोपर लहंदे जां तस्वीर बदलदी कौमां दी। शहीदां दी शहादतां संबंधी श्री ठाकुर दलीप सिंह जी द्वारा दित्ते संदेश दा जिक्र करदी हां। शहीद होण वाले सिख वख-वख जातां विचों सन पर देश धर्म अते आजादी दे नाम ते कोई जात नहीं हुंदी। गुरबाणी अनुसार जात पात दा गर्व नहीं करना चाहिदा अते जात पात तो उपर उठ के सतगुरु नानक देव पातशाही दे सिख पंथ अते अपने भारत नूं उन्नत करन दी लोड़ है। अखीर यही कहना चाहांगी कि सानूं लोड़ है स्वयं पहचान करन दी अपने अंदर स्वयंमान लियाउण दी कि असी भावे कोई हिंदू सिख जां मुसलमान हां सारे ही श्री गुरु नानक देव साहिब जी दे सिख हां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी संतान हां उन्हां दी तेग विचों साडा जन्म होया है जिन्हां ने सब नूं बराबर अधिकार दित्ते बिना किसी जात पात धर्म जां नस्ल दे वितकरे तों। इस लई सानूं गुरु साहिबाना दे आदर्शां ते चलदे होए आपसी वितकरे दूर करके समाज अते देश लई अते फिर तों मजलूमां दी राखी लई अपनी आवाज नूं बुलंद करन दी लोड़ है। धन्यवाद जी।